भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। बीबीएन में अवैध कब्जों के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला नालागढ़ के अंतर्गत उप तहसील पंजहरा का है, जहां पर सन नौकस इंटरनेशनल कंपनी द्वारा अवैध कब्जे का मामला सामने आया है, जहां पर कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिरकत हेल्पलाइन पर एक ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई थी कि कंपनियों द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ है, जिसके बाद प्रशासन ने मामले की जाँच कर पाया कि कंपनी द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है। इस पर कार्यवाही करते हुए नोटिस जारी किया गया है। ये पंजारा में बगलेर रोड का आगे ना सुनोक्स कंपनी है बैटरीज वाली के, तो मुझे 1100 में कंप्लेंट आई थी कि अपने स्थानीय लोग वहीं से किसी संजय भल्ला कुछ ऐसा नाम है, तो उसकी मैंने छानबीन पे पटवारी कानून के द्वारा अपने कार्रवाई में वो मौके पर गए वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ बाउंड्री वॉल की हुई है जो अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री में ना, तो वहाँ चोई वगैरह गवर्नमेंट लैंड है तो वो सरकारी है, तो उसमें फिर हमने कार्रवाई 163 की करके हिमाचल प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1954 की सेक्शन 163 होती है, तो उसमें हमने अवैध कब्जे का प्रकरण तैयार करके कानूनी प्रक्रिया जारी है और उनको अब समनिंग कर रहे हैं। जैसे ही तो कानूनी प्रक्रिया है उसमें जल्द फैसला ले लिया जाएगा, नजायज कब्जे को इजेक्टमेंट कानूनी कराया जाएगा। बीघे के लग एक बीघा क्या वैसे 10-20 पर चोई है लंबी जैसी है थोड़ी ना, वैसे मैं चोरी नाले टाइम ना जितने भी मौके पर जब इजेक्टमेंट करेंगे ना तो उस हिसाब से गिर जाएगा। उज्जवल हिमाचल के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी। डॉक्टर KDI's हॉस्पिटल, आपकी आंखों का हम रखेंगे ख्याल।